दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अगर आपके भी फेसबुक अकाउंट को किसी ने हैक कर लिया है और हैकर ने आपके ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, पासवर्ड सब कुछ चेंज कर दिया है, आपके लॉगिन डिटेल्स, और जब आप दोस्तों अपना अकाउंट को यहाँ पे फाइंड करके सर्च करके लॉगिन करने के लिए जाते हैं तो भाई यहाँ पर जो है ट्राई अनदर वे का ऑप्शन मिलता है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो ईमेल आईडी, जो फ़ोन नंबर वगैरह दिखता है वो सब यहाँ पर दोस्तों वो हैकर का होता है, जिसके कारण दोस्तों अगर इसमें आप कोड लेने जाते हो तो वो कोड हैकर के पास जाता है और आप अपने अकाउंट को रिकवर नहीं कर पाते हो। लेकिन दोस्तों पहले क्या था, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता था हमें नो लॉन्गर हैव टू एक्सेस दिस करके। तो भाई आप उस ऑप्शन को यहाँ पे कैसे ला सकते हो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हो तो भाई काफ़ी आसानी से आप अपना अकाउंट को रिकवर कर पाओगे। तो भाई यहाँ पर आपको करना क्या है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें मुझे जो है जो भी दिख रहा है ये सब हैकर का है, तो हमें यहाँ कुछ नहीं करना है। पहले दोस्तों इसको एक बार मैं बैक कर लेता हूं। बैक करने के बाद आपको सिंपल दोस्तों क्रोम ब्राउजर के अंदर आना है, ठीक है। आपको मैं दिखा दूं, काफी लोगों को ये भी चीजें बताते हैं क्रोम ब्राउजर होता क्या है। भाई ये वाला जो ब्राउजर है गूगल क्रोम, इसको आप ओपन करोगे, सर्च बार में आओगे, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है दोस्तों, आपको सर्च करना है फेसबुक रिपोर्ट्स फॉर्म करके, ठीक है। फेसबुक रिपोर्ट्स फॉर्म सर्च करोगे, आपको सबसे ऊपर में आएगा रिपोर्ट समथिंग ऑन फेसबुक, तो आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहां पर ध्यान दें सेम आर्टिकल का आपको काफी सारा मिलेगा, जिसके ऊपर यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिखा रहेगा उसी वाले पे क्लिक करना है, ठीक है। रिपोर्ट समथिंग ऑन फेसबुक, आपको हो सकता है दूसरे नंबर पे भी शो करता है, इस पर क्लिक करने का दोस्तों यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आ जाता है। तो भाई यहाँ पे आपको फर्स्ट में मिलेगा माय अकाउंट हैज बीन हैक्ड, तो आपको इसमें जो गोला करके जो है सर्कल इस पर आपको टिक कर देना। टिक जैसे करोगे दोस्तों ऊपर में आएगा रिकवर योर अकाउंट इफ यू थिंक योर फेसबुक अकाउंट वॉज हैक और समवन यूजिंग विथ विदाउट योर परमिशन, तो आपको इस पर क्लिक कर देना। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे दोस्तों थोड़ी देर वेट करना है, आपके सामने इस तरीके का पेज आ जाएगा। अब यहां पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे, ये अगर आपको आ जाए तो इसको आपको क्या करना, क्रॉस कर देना है, और आपको यहां पे मिलेगा ट्राई गेटेड हेल्प करके, आपको सिंपल गेट स्टार्टेड का ऑप्शन शो करेगा, इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। यहां पे मैं आपको दो स्टेप बताऊंगा, दोनों अगर फॉलो करेंगे तो दोस्तों काफी हद तक उम्मीद है कि आपके अकाउंट वापस आ जाएगा, और आ भी जाता है जैसे कि मेरे में आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर आपको दो तीन ऑप्शन आ जाएगा, इफ यू थिंक योर अकाउंट हैक्ड यू कैन हेल्प रिकवर, फर्स्टली कैन वी टेल अस व्हाट हैपिंग, यानी आपसे कुछ सवाल पूछा जाएगा। तो फर्स्ट में दिया है समवन एल्स गेन एक्सेस टू माय अकाउंट, यानी कोई मेरे अकाउंट को एक्सेस किया है, या फिर दूसरा आपके फ्रेंड का है, ठीक है। तो आपको करना क्या, फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है अगर आपके अकाउंट को हैक किया गया है तो, ठीक है। समवन एल्स गेन एक्सेस टू माय अकाउंट, फिर आपको यहाँ पे बोलेगा सॉरी, मतलब वो दुख जताएगा। आपको दो ऑप्शन दिया जाएगा, फिर यस आई कांट स्टिल लॉग इन, नो आई कांट लॉग इन, यानी अगर आप लॉग इन कर पा रहे हो आपको फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है, नहीं कर पा रहे तो सेकंड में, लॉग इन तो नहीं कर पा रहे तो आपको सेकंड पे सिंपल क्लिक करना है नो आई कांट लॉग इन, इस पर क्लिक करोगे तो फिर यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिया गया है कि क्या आप अपने जो ईमेल एड्रेस है, फ़ोन नंबर है वो आपके पास मतलब वो अभी भी ऐड है, तो आपको ऐड होगा तो यस पे करोगे, हालांकि ऐड नहीं होगा तो आपको नो आई डोंट हैव एक्सेस टू फोन नंबर और ईमेल एड्रेस ऑन द अकाउंट, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर जैसे क्लिक करोगे आपको यहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा दोस्तों, facebook.com login identify, इस पर आपको पहले क्लिक करना है, ठीक है। इस लिंक पर जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार का आएगा, आपको दोस्तों अगेन आपका जो नंबर, ईमेल, फोन नंबर, नेम से किसी से भी अपना अकाउंट को यहाँ पे सर्च करने की कोशिश करना है, ठीक है। अगर आ जाए सही है, जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो भाई यहाँ पे देख पाएंगे कि आता है कि नहीं आता है। यहाँ पे दोस्तों मेरा अकाउंट जो है अभी ऊपर में देखने को मिल रहा है, अगर आपको ना मिले दोस्तों तो नीचे आपको मिलेगा आई एम नॉट इन दिस लिस्ट, इस पर क्लिक करोगे तो आपको अपना फ्रेंड वगैरह का नाम जो है एंटर करने का आ सकता है, उस पर क्लिक करोगे तो भाई वहाँ पर आपको अकाउंट दिख जाएगा। तो सिंपल अपने अकाउंट पर आपको क्लिक करना है, अकाउंट अगर मिल जाए तो काफ़ी आसान हो जाएगा। आप दोस्तों यहाँ पर फिर से वही चीज़ दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या बोला जाता है भाई, आप अपना जो है यहाँ पर पासवर्ड एंटर करो, पासवर्ड हमारे पास है नहीं, अगर होगा तो भाई आप पासवर्ड एंटर कर सकते हो, हालांकि पासवर्ड चेंज कर दिया तो आपको करना क्या है ट्राई अनदर वे पे क्लिक करना है, फिर से दोस्तों वही पेज आ जाएगा, तो आपको करना क्या है इस पेज का एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। हो सकता है आपको यहाँ पे नो लॉन्गर हैव एक्सेस आ जाए इस प्रोसेस को करने पर, अगर नहीं आता है तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लोगे दोस्तों। फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पे फेसबुक को जो न्यू टैब में यहाँ पे आपको ओपन करना है क्रोम ब्राउजर के अंदर, ठीक है। अभी आपको क्या सर्च करना है, आपको ध्यान देना है यहाँ पे सर्च करना है इशू, ठीक है, विथ फेसबुक, इशू विथ फेसबुक सर्च करोगे आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएगा। आपको आ जाना है दोस्तों यहाँ पे ये वाला इसमें, ठीक है।
रिपोर्ट एंड इशू विथ होम पेज और न्यूज़ फीड, ये वाले जो है आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये एक जो है ईमेल जो है एक पेज खुल जाएगा, फॉर्म खुल जाएगा, आपको इसमें भरना है। दोस्तों इसको अगर सही से भरते हैं तो उम्मीद है कि आपका जो अकाउंट है उसमें नो लॉन्गर हैव एक्सेस वाला ऑप्शन आ जाएगा और आप अपने अकाउंट को इजीली रिकवर कर सकते हो, फिर डायरेक्टली दोस्तों आप रिकवर कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट दिया है तो लिखना है माई फेसबुक अकाउंट हैज़ बीन हैक्ड, माई फेसबुक अकाउंट हैज़ बीन हैक्ड, या फिर शॉर्टकट में लिख सकते हो फेसबुक अकाउंट हैक्ड करके। इतना लिखना है दोस्तों। कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस, आपको अपना एक नया ईमेल आईडी दे देना है, ठीक है। अगर वो वाला आपके पास है जो अपने अकाउंट में ऐड किए थे वो अभी भी आपके पास है तो वो ईमेल आईडी दे सकते हो, या फिर कोई भी एक आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी दे देना है अच्छी तरीके से। कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी दोस्तों यहाँ पे आपको दे देना है, जो भी आपको देना है। मैं यहाँ पे एक ईमेल आईडी दे देता हूँ आपके सामने, आपको भी सेम दोस्तों आपका जो भी ईमेल आईडी है वो अपना देना है, यानी कि मेरा वाला देना है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। ईमेल आईडी देने के बाद आपको सिंपल करना क्या होगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिखना चाहते हो आप लंबा चौड़ा बहुत लिख सकते हो, या फिर आप शॉर्टकट लिख सकते हो। डियर फेसबुक टीम, जो मैं लिख रहा हूँ वो आप सेम लिख सकते हो, डियर फेसबुक टीम माई अकाउंट हैज बीन हैक्ड, हैक्ड आपको से लिखना, ठीक है, हैक्ड एंड नो लॉन्गर हैव टू एक्सेस दिस ऑप्शन नॉट शोइंग, ठीक है। आपको इतना लिख लेना है यहाँ पे। उसके बाद आपको करना क्या है, ये चीज़ लिख लेने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है, योर यहाँ पे आपको करना है माई ओल्ड ईमेल आईडी, आपको अपना ईमेल आईडी देना है। उसके बाद दोस्तों पासवर्ड देना है, ओल्ड पासवर्ड, ये चीज़ दे देने के बाद अगर आपके नंबर के साथ जो है फ़ोन नंबर ऐड था तो फ़ोन नंबर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके जो स्क्रीनशॉट मैंने आपको बताया वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उस स्क्रीनशॉट को देने के बाद आपको डन कर देना है और इसको आपको सिंपल दोस्तों यहाँ पे सेंड कर देना है। ये चीज़ करने के बाद दोस्तों होगा कि आप जो ईमेल देंगे अगर इनको सारा चीज़ सही लगेगा और ये जो प्रोसेस है आप रिकॉग्नाइज डिवाइस पे करेंगे, यानी जिस फ़ोन में आप अपना फेसबुक चला रहे थे, तो आपको दोस्तों ईमेल में एक ईमेल आ सकता है, या फिर दोस्तों डायरेक्टली अगर आप 24 घंटे बाद या फिर एक दो दिन बाद ट्राई करोगे रिकवर करने का तो आपको नो लॉन्गर हैव एक्सेस टू दिस का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि मेरे में आया था, मेरा आईडी जो है अभी लॉगिन है, मैं आपको दिखा देता हूँ जो आईडी मैं आपको दिखाया वो आईडी मेरा अभी फेसबुक के अंदर लॉगिन है। चलिए मैं आपको फेसबुक ओपन करके दिखा देता हूँ, देख सकते हैं वही आईडी है, आपको यहाँ पे मैं क्लिक करके भी दिखा देता हूँ, देख सकते हैं रियान रेजा करके। तो भाई इस तरीके से आप ये काम कर सकते हो और उम्मीद करूँगा कि आपके अकाउंट जो है रिकवर हो जाएंगे। ट्राई करके देखें, अगर नहीं होता है, कुछ भी आपको डाउट लगता है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।